हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आई सभी? बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जीवा एडिट्स। आज मैं आपके लिए न्यू लेटर पोर्ट्रेट इफेक्ट फोटो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ। अगर अभी तक आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी हम बैकग्राउंड में पीएनजी इस वीडियो में यूज़ करेंगे उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये बैकग्राउंड ले लेंगे। बैकग्राउंड लेने के बाद फिर आपको जाना है टूल्स में और फिर क्रॉप पे जाना है और फिर आपको स्क्वायर पे क्लिक कर देना है। स्क्वायर पे क्लिक करने के बाद ये हमारा क्रॉप हो जाएगा। इसको करने के बाद फिर आपको जाना है ऐड फोटो में और फिर आपको ले लेना है एक म्यूज़िक आइकन पीएनजी। ये रहा हमारा म्यूज़िक आइकन पीएनजी, इसको हम अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद फिर आपको इसी में टेक्स्ट में जाना है और फिर आपको लिखना है UCIE म्यूज़िक एंड फिर आपको इसको यहाँ पे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स मिलेंगे, इनमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसको करने के बाद आपको फिर कलर्स में जाना है एंड फिर ग्रेडियंट पे क्लिक कर देना है। ग्रेडियंट पे क्लिक करने के बाद फिर आपको राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर से आपको टेक्स्ट में जाना है और फिर आपको लिखना है लवर। इसको लिखने के बाद फिर आपको थ्री डॉट्स फिर टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद फिर आपको कलर्स में जाना है और फिर आपको यहाँ पे कलर चूज कर लेना है जो भी आपको अच्छा लगे एंड फिर आपको स्ट्रोक पे जाना है और फिर वाइट कलर चूज कर लेना है और फिर से कलर पे जाना है और फिर आपको ग्रेडियंट कलर चूज कर लेना है। आपको जोन सा अच्छा लगे वो कलर चूज कर सकते हो। इसको करने के बाद फिर कर देंगे हम राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद अब हम ऐड फोटो में जाएंगे और फिर हम ले लेंगे एक मॉडल पीएनजी। इसको लेने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से फिर आपको मॉडल पीएनजी को अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। सेट फिर आपको इसके ओपेसिटी को कम कर देना है एंड फिर इरेजर टूल पे जाना है एंड फिर आपको यहाँ साइड साइड से इसको इरेज कर लेना है और ये बीच में से भी इसको इरेज कर लेना है ताकि अच्छा लगे हमारे ये। इसको करने के बाद फिर कर देंगे राइट क्लिक और फिर इसके ओपेसिटी को बढ़ा देंगे और फिर इरेजर टूल पे जाएंगे और फिर इसको आप अच्छे तरीके से हम ब्रश का यूज़ करके इसको इरेज कर सकते हैं। अब ये देखो हमारा इरेज हो चुका है। इसको कर देंगे फिर राइट क्लिक और फिर से कर देंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको टूल्स में जाना है एंड फिर एडजस्ट में और फिर इसके ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड फिर इरेजर टूल पे ताकि फेस पे शाइनिंग के लिए हम ब्रश का भी यूज़ करेंगे। ओपेसिटी को कम एंड साइज को भी कम कर देना है। कम करने के बाद फिर आपको जहाँ जहाँ आपको शाइनिंग चाहिए वहाँ वहाँ हम ब्रश का यूज़ कर लेंगे। इसको करने के बाद फिर कर देंगे हम राइट क्लिक एंड फिर आप जितना एडजस्ट करना चाहो, मैं 6 तक ही रखूँगा और फिर कर देंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद अब हम जाएंगे ड्रा टूल्स में और फिर हम कलर्स पे क्लिक करेंगे और फिर वाइट कलर चूज कर लेंगे और इस ब्रश पे क्लिक करेंगे। आपको साइज 70 पिक्सल थोड़ा कम कर लेना है एंड ओपेसिटी को फुल एंड हार्डनेस को भी फुल कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे फेस पे थोड़ी और शाइनिंग के लिए हम इसका यूज़ करेंगे, जूम आउट कर लेंगे। इसको करने के बाद फिर आपको जाना लेयर्स में और इसकी ओबेसिटी को कर देना है कम, बिल्कुल कम। कम करने के 7 तक करना है और फिर आपको इरेजर टूल पे जाना है और फिर इसको यहाँ से देखो जहाँ जहाँ आपको वाइट वाइट सा दिख रहा है वहाँ से इसको इरेज कर लेंगे और फिर कर देंगे राइट क्लिक। सॉरी, इमेज को कर लेंगे फिर सेव। सेव करने के बाद अब हम बैक आ जाएंगे। अब हमारा पिक्सआर्ट का काम पूरा हो चुका है। अब हम लाइट रूम ऐप का यूज़ करेंगे। जो भी हमें कलर रीडिंग करनी है वो उस लाइट रूम ऐप से करेंगे। पहले फोटो को ऐड कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करो फॉलो कर दीजिए। ऐड करने के बाद फिर आपको कॉन्ट्रास्ट को हाई कर देना है एंड एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड फिर आपको हाईलाइट को माइनस में, शेडो को भी माइनस में कर देंगे एंड वाइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाना है एंड ब्लैक्स को कम कर देना है। इसको करने के बाद फिर आपको सैचुरेशन को माइनस में कर देना है 14 तक एंड वाइब्रेंस को भी -12 एंड टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देना है, थोड़ा सा बिल्कुल 6 तक आपको बढ़ा देना है एंड टिंट को भी 8 तक बढ़ा देना है। इसको करने के बाद फिर आपको
क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ाना है, डीएज को, और फिर आपको शार्पनिंग को थोड़ा सा बढ़ा देना है एंड नॉइज रिडक्शन को। इसको करने के बाद फिर आपको प्रीसेट्स में जाना है एंड फिर आपको हाई कॉन्ट्रास्ट प्रीसेट चूज कर लेना और फिर कर देंगे राइट क्लिक। इन सभी करने के बाद आप हमारे पिक एडिट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नहीं किया तो कर लीजिए एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।